अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेसनिक वॉलकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 16 वेज 1 चल रहा है, प्रॉब्लम 45 है। एक्सट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं बिटवीन द फिक्स्ड सपोर्ट्स जिसकी सेपरेशन यानी रस्सी की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 और 315 हर्ट्ज है। वो कहता है इसके दरमियान में कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं है, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ और वेव की स्पीड बताओ। अब जनाबे वाला हम जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज्ड होती है। अगर 420 पे कर रही है और फिर 315 है तो इसका मतलब बीच में और कोई नहीं है, तो हमें डिफरेंस यहाँ से निकाला जा सकता है। हम जानते हैं कि भाई वी बराबर होता है लैम्डा एन एफ एन, एफ एन बराबर आ जाएगा वी ओवर लैम्डा एन। आप यहाँ से लैम्डा एन की वैल्यू 12/n डाल जा सकती है। अब ये पहली फ्रीक्वेंसी है, ये अगली फ्रीक्वेंसी है, इनकी रेशियो उठा लेते हैं। तो इसमें एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया क्वांटाइज्ड, यानी एक एन की वैल्यू एक इंटीजर बढ़ गई। जब मैं रेशियो उठाऊंगा बाकी फालतू चीजें कट जाएंगी, एन प्लस वन ओवर एन आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद इसमें से एफ एन वाली फैक्टर एक तरफ कर ली, एन वाले फैक्टर एक तरफ कर लेंगे, एन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से एफ एन हमें इब्तदाई फ्रिक्वेंसी 315 पता है, उससे अगले वाली 420 है, तो दोनों की वैल्यू प्लेस करेंगे तो एन की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ लूप पता चल गए। तो एफ एन बराबर होता है किसके, एन एफ वन के। तो यहाँ से एफ वन निकाला जा सकता है, एफ एन ओवर 3, एफ एन 315 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 105 आ जाएगा। अब एफ वन पता है तो हम उसी सोच के ऊपर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी बराबर आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा एन की वैल्यू डालेंगे 2l/n, अब एन की जगह हम 1 प्लेस कर रहे हैं तो 2l × f1 आ जाएगा। l भी पता है, f1 भी पता है, तो 158 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो वेव स्पीड भी निकल आएगी इस तरीके से। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।